क्या करना है, आपके पास एक ग्राइंडर है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी ठीक है, उसको ग्राइंड करें, थोड़ा सा पानी डालिए, और अगर नहीं है ग्राइंडर तो बहुत बुरी बात, कोई बात नहीं तो कोई बात नहीं है, बहुत ही बारीक बारीक काटना है, बहुत बारीक काटें, कोई मसला नहीं है, मतलब जरूरी, और अगर ये भी नहीं है तो आपके पास सील तो होगा, उसमें पीस लीजिए, वरना आप ऐसा करें कि आप टमाटर काट के डाल दें, प्यूरी ना भी हो, हां कोई बात नहीं, हम भी काट के डालेंगे, हम भी काट के डालेंगे, ठीक, क्योंकि हालांकि हमारे पास ग्राइंडर है लेकिन पड़ा हुआ है सामने, हां वो सामने पड़ा है, लेकिन हम चाहते हैं कि फ्लेवर जो है हमेशा फ्रेश चीजों से आती है और आपके अपने हाथों से काम करने में ही आती है, ठीक है, मजा आता है, ओके, हमने क्या करना है, अब इसमें हमने सबसे पहले आई थिंक स्टोव जलाना है, स्टोव जलाना है, जैसे सर्दियां आ गई है ना, तो अब अच्छा लगता है किचन में काम करना, है ना, और जब किचन में हम खड़े होते हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि थोड़ा सा वार्म हो जाता है, किचन कोजी हो जाता है, और रूरल एरियाज में स्पेशली किचन के अराउंड बैठना एक एक्टिविटी है, इवनिंग की एक्टिविटी है, जी जी, बिल्कुल, कभी अपने से नोट किया है, बिल्कुल नोट कभी किया है। मेरा क्योंकि जाना हो तो दैट्स व्हाट आई सी कि कुकिंग का जो टाइम होता है वो एक एक्टिविटी होता है, वो एक गैदरिंग होता है, इधर उधर के जो नेबर्स वगैरह हैं वो भी आ जाते हैं जहाँ पर आग जली और वहाँ पे रोटी वगैरह बन रही है या खाना बन रहा है। अभी पिछले दिनों मैं गई थी, आई वेंट टू दिस प्लेस इन लैया डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में, अच्छा, और वहाँ पर इवनिंग होने लग गई, और जैसे इवनिंग हुई तो एक खातून थी, उन्होंने फौरन से आग वगैरह चलाई और तवा रखा और रोटी बनाने लग गई, और साथ में एक जो एक साहब थे बड़ा अच्छा गाना गाते थे और उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया, और एवरीवन एक्चुअली जस्ट सैट अराउंड, और म्यूजिक भी हो रहा है, और एक ऐसे लग रहा था जैसे बॉन फायर हो रहा है, और इतना मजा आ रहा था, और साथ में खाना भी बन रहा था। ओके, ये देखिए जी ज्वेलरिया, आप भी देखिए, हमारे जो देखने वाले हाँ। वो भी देखें, हम इस शक्ल अच्छा, इस शेप के बनाएंगे, ठीक है, मसाला थोड़े से मोटे हैं, ठीक है, इसके अलावा इसी मसाले से अगर आप सीख कबाब बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं, इसके अलावा आप कोफ्ते बनाना चाहें वो भी इसी तरीके से बनते हैं, वो कोफ्ते तो नहीं होंगे ना, वो होगा तो मसाला कबाब नहीं, वो फिर पता क्या होता है, वो एक और तरीके से, अमूमन लोग ये करते हैं, क्या करते हैं कि जी कोफ्ते को फ्राई करते हैं, मैं कभी भी कोफ्तों को फ्राई नहीं करता, उसको ग्रेवी में ही कुक करते हैं, मैं हमेशा उसको पहले बॉईल करता हूँ, पहले बॉईल करता हूँ, फिर उसके बाद वही स्टॉक जो हमारे पास होता है उससे निकलता है उसमें यूज करते हैं, बल्कि नेक्स्ट इंशाल्लाह हो सकता है कोशिश करेंगे कि कल हम राइस की एक डिश बनाएं, सही, एक बहुत मजे की डिश है, और उसी में तकरीबन वो रेसिपी भी हम देंगे। ओके भाई व्यूअर्स, अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो रहा है और आप लोग भी देखना चाहते हो कि पुलाव की डिश के साथ और सीख कबाब वगैरह के जैसे भी मीट को किस तरह से यूज किया जा सकता है, तो फिर आप हमारे कल का एपिसोड भी जरूर देखिएगा, बिल्कुल मिस मत करिएगा। और अभी जो है अहमद हमें बता रहे हैं कि सेम जो रेसिपी है मसाला कबाब की, इससे ही कोफ्ते भी बन सकते हैं और सीख कबाब भी बन सकते हैं, और सिर्फ ये कि आपने उनको फ्राई नहीं करना, बल्कि बॉयल करना है, बॉयल करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, खैर वैसे मीट बॉयल करने से वैसे टूटता तो नहीं, वाटर के अंदर मिक्स नहीं टूटता, इसलिए कि हमने एग लगाया, इसलिए इस वजह से भी। दूसरा ये कि जो कीमा होता है उसमें खुद भी बॉन्डिंग का होता है, वो बॉन्ड हो जाता है, लोग अमूमन डरते हैं। एक दफा एक जगह पे मैं ये कोफ्ते बनाना सिखा रहा था, तो सब डरे हुए थे कैसे पॉसिबल है, पानी में डालेंगे उबलते हुए पानी में टूट जाएंगे, वॉश अवे नहीं हो जाते, लेकिन वो जो स्टॉक बनता है ना हमारे पास कीमे सॉरी उसके लिए कोफ्तों से, वो स्टॉक बाद में जब आप ग्रेवी बनाते ग्रेवी हैं उसमें यूज करते हैं, तो आपकी फ्लेवरिंग सारी उधर चली जाती है और यू डोंट एक्चुअली लूज एनी फ्लेवर। यही चीज है, बाद लोग ऐसा होता है ना, डर होते हैं कि जी कोफ्ते बना तो लिए टूट गए, और दूसरा ये कि वो जो यखनी है उसका क्या करेंगे, उसका तो कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप फ्राई क्यों प्रेफर नहीं करते हो कि अगर फ्राई किया जाए, क्योंकि नॉर्मली जो मार्केट से भी कच्चे कोफ्ते मिलते हैं उनको पहले आप फ्राई करते हो, फ्राई करते हो और फिर आप उनकी ग्रेवी में डालते हो, सही, तो आप फ्राई को कैसे प्रेफर करते हो, बॉयल करना क्यों बेहतर है? एक चीज तो ये है कि पहले से बहुत ज्यादा हैवी है और डीप फ्राई भी हो जाएगा, आप लोग भी इस चीज को मानते होंगे। दूसरा ये है कि आपने अगर देखा हो कोफ्ते फ्राई करने से ऊपर से थोड़े से सख्त हो जाते हैं, हाँ, जबकि आप बॉईल करेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके कोफ्ते ऊपर से सख्त हो या अंदर से सख्त हो, कभी भी ऐसा नहीं होता, वैसे मर्जी है, डिपेंड करता है आपके बाजू पर आपको हाँ अच्छा लगे, लेकिन आई थिंक ये बॉईल वाला मैं भी ट्राई करके देखूंगी। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे पास टाइम हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं और आपको बताते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है इस रेसिपी में। Oh, oh, oh.
और इस वक्त हमारे जो कबाब है, मसाला कबाब, तो तकरीबन उनकी टिक्कियां बन गई, लेकिन इसको टिक्कियां नहीं खाएंगे, इसको क्या कहेंगे? इसको कबाब, कबाब बन गए, कच्चे कबाब बन गए, कच्चे कबाब शेप में आ चुके हैं, मोल्ड हो चुके हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल अभी भी इतने वो मजेदार लग रहे हैं, लग रहे हैं। ये देखें, हालांकि ये कच्चे हैं और कच्चा गोश्त और इतना टेस्टी दिखे ये मैं कभी सोच नहीं सकती थी पहले, मगर ये बहुत ही मजे के दिख रहे हैं, मतलब टू द एक्सटेंट कि मैं इसको चखना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे क्योंकि पता है कि मीट कच्चा है इसलिए मैं नहीं चखूंगी। टोमेटो इसको ग्रेवी के लिए हम लेंगे और बहुत बारीक कटिंग इसकी होगी। ओके, एक तो बहुत बारीक कटिंग हमेशा हर चीज में अहमद आप डालते हो, बारीक कटिंग बड़ी मुश्किल चीज है, हमें इस तरह से टेस्ट से नहीं कटना आता है। चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, कोई ऐसी डिश अब आपने बतानी है, बल्कि आइंदा आपने ऐसी ही डिशेज बतानी है जिसमें बस चार पीसेस में करो टमाटर और डाल दो, ऐसा ही करेंगे, बल्कि प्याज को भी बड़ा बड़ा काटो और डाल दो। आगे जो हमारी रेसिपी होगी ना, कभी चिकन जिंजर बनाना चाहें, चिकन कढ़ाई बनाना चाहें, उसमें टमाटो इसी तरह डालें, और पता क्या वो भी बड़ा बहुत ही, आप लोग भी बल्कि स्पेशली नोट कीजिएगा, आपने पूरा टमाटर डाला ठीक है, और फिर क्या किया जब उसके ऊपर ढकना रखा, मैश कर दिया, नहीं ढकना रखा, जब वो टमाटर गलता है अंदर से उसका छिलका यूं उतर जाता है, वो ज्यादा आसानी होती है, दैट्स बेटर बिल्कुल। और मैंने कई मरतबा ऐसी चिकन कढ़ाई खाई है जिसमें पूरा पूरा टमाटर था, ओके पूरा टमाटर, इट्स गुड, इट्स लाइक इजी टू अवॉइड इट आल्सो, क्योंकि उसकी फ्लेवरिंग तो चली गई होती है। ऑयल अब लेंगे वहाँ से, आप शुरू कर दीजिए। अच्छा क्या शुरू करना था? यहाँ से यूं करना है। I like this part, especially जी इस्लामाबाद में तो बहुत ज्यादा सर्दी भी हो गई है, so ये part is always really really good. इसको रख दें। Okay, so हम अपने pan को यहाँ पर रखेंगे और फिर ये I think के oil इसमें आप डाल दो, आप डालें, लेकिन half cup में ही सारा deep fry? नहीं, काफी थोड़ा सा और डालेंगे, बस काफी है। ओके, अभी तो मसाला बनेगा, अभी मसाला। मुझे एक बात बताएं, ऑल्दो कि हम वहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ी इंपेशेंट हो रही हूँ, इन कबाब को क्या हम फ्राई करेंगे, बॉईल करेंगे या ग्रेवी में पकाएंगे, सिर्फ ये बता दें। ये इसी तरह बनाएंगे, आप देखिएगा। ओके, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग से, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की रेसिपी है, मैंने इसीलिए कहा ना कि टोमेटो प्यूरी, स्पेशली अगर आप इसको दम कबाब कहें तो वो ज्यादा बेहतर है। ओके, मसाला दम कबाब, दम मसाला कबाब, और एनी व्हिच वे वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। टोमेटो इसमें अगर ज्यादा भी डल जाए तो बेहतर है, फिर महंगे हो गए। हाँ, टमाटर महंगे हो गए, कोई बात नहीं ना, अच्छा खाना खाने के लिए थोड़े से तो पैसे लगाने पड़ते हैं। और देखिए दूसरी बात ये है कि वैसे ही घर में बना के आप कुछ तो बचत कर ही रहे हो ना। हाँ, काफी कम से कम टमाटर ज्यादा डाल इतनी बचत ना करें। देखिए आप रोज ना खाएं ना, आप महीने में हफ्ते में एक दफा खाएं, लेकिन एक दफा खाएं और अच्छा खाएं, बाकी दिनों में बॉइल्ड राइस खाएं। नहीं, आम दिनों में राइस सस्ता है, वैसे दाल चावल खाएं, सब्जी खाएं, घर में ही उगा लें, वो सस्ता रहेगा, वो ज्यादा सस्ता रहेगा। हाँ, या ऐसा करें आप डाइटिंग करें, अब एक हफ्ता क्रैश डाइट करें, अब कुछ भी ना खाएं, और फिर मंडे आप ये कबाब और ये जो अभी हम आपको लड्डू सिखाएंगे एक आबो बनाओ। ये देखें, ये हम इसमें रखते जाएंगे यूं। अच्छा, ये गोश्त बिल्कुल कच्चा है, राइट? बिल्कुल कच्चा है। अच्छा, ये पहले से आधा सा भी नहीं बना हुआ। अच्छा, मुझे इतनी हाफ कुक चीजें बाजार से जो मिलती है ना, हाफ कुक, तो मुझे लगता है कि हर चीज थोड़ी पार्शियली कुक्ड होगी, मगर ये तो बिल्कुल कच्चा है। ये बिल्कुल कच्चा, बिल्कुल कच्चा है, हिलाना नहीं है, नहीं तो टूट जाएगा। ये देखें अब क्या करना है, नाइफ इसके लिए वैसे बड़ी चाहिए होती है। हाँ, क्या ये है हमारे पास बड़ी नाइफ? बड़ी नाइफ है, ये देखें, ठीक है। टमाटोज भी साथ में और साथ में मसाले जो हमारे पास, क्या जबरदस्त मसाले, क्या मजे की चीज बन रही है। इसको राइस के साथ खाने में मजा आएगा, है ना? बिल्कुल। लेकिन राइस हम आज हम नहीं बना रहे, आप अपने घर में आप अपने घर में जो है ना राइस बनाइएगा, चाहे बॉयल्ड राइस हो, अगर आपको और कोई पुलाव वगैरह नहीं आता तो आप बॉयल्ड राइस ही कर लो, क्योंकि ये मसाला कबाब, मसाला दम कबाब जो है ना, ये खुद से ही इतना टेस्टी और इतना सेवरी होगा कि आपके बॉयल्ड राइस में बिल्कुल फ्लैट नहीं फील होगा आपको। ओके, टोमेटोज दो और भी मैंने कहा ज्यादा कर दूं तो ज्यादा मजे आएगा, क्योंकि ग्रेवी फिर कम आएगी ना। हाँ, थोड़ा सा कोई, अगर प्यूरी डली होती तो फिर वो ग्रेवी बहुत मजे की और बहुत, जल्दी बहुत में बन जाती, मगर मुझे इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली, इसमें मुझे ये डुएबल लग रहा है, क्योंकि प्यूरी